गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ा, उनका स्ट्रक्चर, उनके नॉमेनक्लेचर, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कई केमिकल रिएक्शंस. बट टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डील विथ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो COOH, दिस फंक्शनल ग्रुप इज टर्म्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके एंड स्टूडेंट्स, अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात की जाए, तो हम कभी भी जब नॉमेनक्लेचर देते हैं तो उसका दो फॉर्म देखते हैं. वन इज़ द कॉमन नेम्स एंड द अदर इज़ द IUPAC नेम. स्टूडेंट्स, जब भी हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो वो मोस्टली डिराइव होता है फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. और IUPAC नेम क्या है? इट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके सो लेट अस सी अबाउट द कॉमन नेम्स. स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की कॉमन नेम्स की बात करें, तो आप सब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर अमंगस्ट द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. सबसे अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई है तो दे आर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स. ओके जो कि नेचर से इजीली आइसोलेट होते हैं एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाई देयर कॉमन नेम्स. और ज़्यादातर को उनके कॉमन नेम्स के जानते हैं. स्टूडेंट्स, आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 9th में 10th में अबाउट एसिटिक एसिड, दैट इज़ विनेगर. तो ये क्या है? या आप फॉर्मिक एसिड के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. तो ये हमें कहाँ से? जो एंट की बाइट होती है, तो एंट एक एसिड रिलीज़ करता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं. तो ये सारे जो नेम्स होते हैं ये क्या हैं? कॉमन नेम्स हैं. और हम कॉमन नेम देते कैसे हैं स्टूडेंट्स? द कॉमन नेम्स एंड विथ सफिक्स इक एसिड. कोई भी कॉमन नेम अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो उसके एट द एंड आप ये वर्ड देखेंगे IC, दैट इज इक एसिड. अभी हमने एग्जांपल लिया था फॉर्मिक एसिड, तो आप देख सकते हैं उसके एंड में क्या आ रहा है? इक. हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्यूटरिक एसिड, इसके भी एंड में क्या आ रहा है? इक. ओके तो अगर आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज़ अ कॉमन नेम और इट इज़ IUPAC नेम, तो आप इसको ईजिली पता लगा सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, और ये डेरिवेशन जो होता है, ये डिराइव कहाँ से होते हैं? ये डिराइव होते हैं फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स. ठीक है, जो भी सोर्स था उस सोर्स के लैटिन या ग्रीक नेम से इनको डिराइव किया जाता है. सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन, दैट इज़ HCOOH, विच इज़ कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड. कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड. कहाँ से मिलता है ये? हमें मिलता है, इसका सोर्स क्या है? रेड एंड्स, जो लाल चीटियाँ होती हैं वो इसके सोर्स हैं. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, सो फ्रॉम लैटिन ओरिजिन, दैट इज़ फॉर्मिका. इसी का मतलब क्या होता है? एंड. फॉर्मिका विट मीन्स एंड, और लैटिन ओरिजिन फॉर्मिका होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड. लेट्स सी अबाउट द सेकेंड, दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज CH3, CH2, CH2, COOH. इट्स नेम इज़ ब्यूटरिक एसिड. क्या है? इसका नाम ब्यूटरिक एसिड है. और इसका सोर्स क्या है? सो इट इज़ रेंसिड बटर. जो रेंसिड बटर होते हैं उनमें पाया जाता है ब्यूटरिक एसिड. ओके और स्टूडेंट्स, अगर इसकी लैटिन ओरिजिन की बात करें, तो इट इज़ ब्यूटीरम. ब्यूटीरम का मतलब होता है बटर. तो यहीं से इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्यूटरिक एसिड. ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट सी द IUPAC नेम. स्टूडेंट्स, IUPAC नेम इज़ क्वाइट ईजी. अगर आपको IUPAC नेम देना है तो आपको सीधे अल्केन में से ई रिप्लेस कर देना है, अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं. और आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन में ओइक एसिड जोड़ देना. यू हैव टू ऐड ओइक विद द नेम. दैट मीन्स, हम कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग CH3COOH. ओके सो स्टूडेंट्स, हमें अगर इसका IUPAC नेम देना है,
तो हम इस पूरे को पैरेंट चेन मानेंगे, और अगर हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे सो दिस विल बी फर्स्ट कार्बन एंड दिस विल बी सेकेंड कार्बन, ओके। एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं, आप यहाँ वर्ड रूट अगर देखेंगे तो अल्केन द वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स विल बी अल्केन। अल्केन में भी दिस इज ईथेन, ओके, दो कार्बन एटम है सो फॉर दिस इट विल बी ईथेन। एंड स्टूडेंट्स हम ये ई रिप्लेस कर देंगे, वी हैव टू रिप्लेस दिस ई। तो रिप्लेसिंग दिस ई, सपोज वी आर राइटिंग ईथेन एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ओइक एसिड फॉर अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू राइट ओइक एसिड, सो इट्स नेम बिकेम इथेनोइक एसिड, ओके। सो स्टूडेंट्स द नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन, द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड एज वन। वेन एवर वी आर गोइंग टू गिव द नेम ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेसिकली कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, नंबरिंग विल बी ऑलवेज गिवन वन नंबर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। एंड स्टूडेंट्स इन केस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसी कंडीशन होती हैं कि दे आर मोर देन द सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो देर आर मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, तो उनकी नंबरिंग में हम क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ऐड करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे कि हमने अभी देख लिया अगर HCOH है तो हमारा पेरेंट कार्बन ये नंबर वन ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा जो पेरेंट अल्केन है दैट इज़ जो वर्ड रूट है वो भी क्या है, एक कार्बन का है, सो फॉर वन कार्बन इट विल बी मीथेन, यहाँ पे ई रिप्लेस रहेगा, एंड फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट विल बी ओइक एसिड, सो इट विल बी मीथेनोइक एसिड। सिमिलरली स्टूडेंट्स फॉर इथेनोइक एसिड वी हैव सीन, फॉर प्रोपेनोइक एसिड ऑल्सो यू कैन सी एज इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द पेरेंट चेन, दिस विल बी द पेरेंट चेन, दिस कार्बन विल बी नंबर फर्स्ट, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड, ओके। तो हमारा वर्ड रूट क्या बना, थ्री कार्बन चेन का, सो दैट विल बी प्रोपेन, ओके। हैविंग सिंगल बॉन्ड इट विल बी एन देयर, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। स्टूडेंट्स आप बस यहाँ ध्यान दीजिएगा ई रिप्लेस्ड है, ओके, और आफ्टर दैट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल राइट ओइक एसिड, सो दिस विल बी प्रोपेनोइक एसिड। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ व्हेन देयर आर मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हम एग्जांपल देखते हैं अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट ईयर, सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक इट एज द पेरेंट चेन, आप इसको पेरेंट चेन लेंगे स्टूडेंट्स, वेट, ये पूरा पेरेंट चेन होगा, और नंबरिंग हम आप क्या करेंगे, वन टू एंड थ्री, आप नंबरिंग किधर से भी करिए, चूँकि ये थ्री कार्बन की चेन है सो दैट दिस विल बी नेम्ड एज प्रोपेन, एंड हम इसके साथ क्या लिखेंगे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सो वी विल राइट डाई, ओके, एंड फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट विल बी ओइक, सो वी विल नेम इट एज प्रोपेन डाई ओइक एसिड। अगेन स्टूडेंट्स इन केस ऑफ दिस कंपाउंड वेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज देयर, सो हाउ वी विल नेम इट, यू विल थिंक दैट देयर इज नो अल्किल ग्रुप, बट स्टूडेंट दिस विल बी कंसिडर्ड एज द पेरेंट चेन एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम आर काउंटेड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर टू, सो फॉर देम इट विल बी ईथेन, एंड एज दे आर टू कार्बोक्सिलिक एसिड सो दैट विल बी ऑल्सो नेम्ड, सो दिस विल बी नेम्ड एज ईथेन डाई ओइक एसिड, ओके। स्टूडेंट्स सपोज द थर्ड कंडीशन हियर यू कैन सी, सो फॉर दिस स्टूडेंट्स अगेन यू वोंट हैव टू टेकिंग देम इन अ प्रिंसिपल चेन एंड मेक द अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट, आप इसको प्रिंसिपल चेन में लेंगे स्टूडेंट्स, और ऐसा नहीं है कि हम वेट स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हम इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, दिस विल अगेन काउंट एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगेन हम नंबरिंग करेंगे, इस टाइम जो हमारी नंबरिंग होगी वो हमारे अल्किल ग्रुप से होगी, ओके, मतलब हमारे अल्केन बेसिक कार्बन से होगी, दिस विल बी वन, दिस विल बी टू, दिस विल बी थ्री। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें थ्री कार्बन मिले हैं तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन, ओके, और इसको सेपरेटली हम लिख देंगे वन टू थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट
द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्लेन में होता है स्टूडेंट्स, और बेसिकली जो एंगल होगा 120 डिग्री का फॉर्म करेगा। बट अगर हम ये देखें कि ये रिएक्शंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। हमने देखा था कि जो कार्बोनिल कार्बन था हमारा, वेट स्टूडेंट, जो कार्बोनिल कार्बन था, दिस वॉज द कार्बोनिल कार्बन इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनिल कार्बन जब होता है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दैट मीन्स ये 5 बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर आएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। सो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप क्या देखेंगे, ये कार्बन आपको इलेक्ट्रोफिलिक नहीं दिख रहा है, ओके। सो दिस इज़ वाई द रेजोनेटिंग, बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोनिल कार्बन जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन आ जाता है। सो इट इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक बट इट इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन कंपेरिजन टू द कार्बोक्सिलिक कार्बन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।